भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक किच फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। केम छो मजा मा भाई लोग, गुजरात का एक बंदा था जिसके दिल में गरीब और लाचार लोगों के लिए बहुत ही प्यार था। मैं था डॉन मगर कुछ लोगों के लिए मैं रोबिन हुड था। मामा जब पोरबंदर की सड़कों पे निकलता तो किसी के माई के लाल में ताकत न थी कि उसका रास्ता काट ले। 1982 में बनी गांधी फिल्म के डायरेक्टर बोले तो रिचर्ड एटनबरो ने उसे रॉबिन हुड ऑफ गुजरात का टैगलाइन दिया। मामा अपने दुश्मन लोग की पुंगी बजाने एम्बेसेंडर कार लेकर निकलता। मत्थे पे पगड़ी होती, हाथ में कट्टा होता और दुश्मन के गलेजे में भोगाल चित्तर फाड़ डालता। वन मैन आर्मी था, किसी का मुंडी काटने के लिए उसे पंडरों की जरूरत ना थी, डायरेक्ट मुंडी काट डालता। दादा अपनी अंगुली में एक अंगूठी पहनता था। अगर कोई गरीब बंदा उस अंगूठी को किसी राशन वाले की दुकान पे दिखाए तो वह दुकान वाला उस गरीब को जितना चाहिए उतना राशन बिना पैसे का देता। ऐसा तो दादा का भोगाल था। मामा जब रावड़ी कैरेक्टर में घुस जाता ना, फिर तो सामने वाले का हुलिया ही बदल डालता। हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर, गुजरात की भूमि, अरबी समंदर का किनारा, इस समंदर के किनारे था उसका अक्का एम्पायर। गुजरात का पहला डॉन कहलाया रॉबिन हुड, द ब्रांड सरमान मुंजा जडेजा। बीड़ू यह कहानी की शुरुआत हुई 60 के दशक में। पोरबंदर महात्मा गांधी बोले तो बापू का लैंडमार्क। उस दौर में पोरबंदर और आसपास के गांव कस्बों के लोग पोरबंदर की महाराणा मिल्स में मजदूरी का काम किया करते और महाराणा मिल्स का मालिक था नानजी कालिदास मेहता। उस दौर में नानजी कालिदास मेहता गुजरात के टॉप अमीरों में गिना जाता, जिसने ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की स्थापना की ली। मगर दिमाग से एकदम ही जेड़ा था, कम पैसों में मजदूरों से बहुत ही काम करवा था। मगर कालिदास को थोड़ी ना पता था अपने इस मिल में एक सैलाब ने दस्तक दे दी है। पोरबंदर से थोड़ी दूर एक कस्बा है कुतियाना। इसी कस्बे से एक यंग छोकरा कालिदास की मिल में मजदूरी का काम करने आयेला। नाम था सरमन मुंजा जडेजा। सरमन इस अत्याचार को देख अंदर ही अंदर बहुत ही जल रहेला। शाम को घर जाता तो पिता मुंजा जडेजा और माता जीवी बहन जडेजा से बातें किया करता कि माई गरीब घरानों में पैदा होने का कोई गुनाह है क्या? ये साले अमीर लोग अपन के जैसे लाचार बेबस लोगों को बहुत ही तंग कर रहे। एक दिन सरमन मिल में ही था। सरमन ने देखा मैनेजर एक मजदूर को बहुत ही डांट रहेला। उस दिन तो आग ही चलग गए, कई दिनों की ज्वाला ज्वालामुखी बन गए। कुछ सोचा ना समझा सरमन ने उस मैनेजर को थोपता डाला। इस छोकरे के पावर को देख जिंदा लाशों में भी जान आ गए। सारे मजदूर एकजुट हो गए, कर दिया मिल बंद का ऐलान। दूसरी ओर काम रुक गया तो कालिदास की परेशानियां भी बढ़ने लगी। अब इस हड़ताल को तोड़ने के लिए कालिदास ने पोरबंदर के दो गैंगस्टर को हायर किया। नाम था देवू और करसन वागे। दोनों ब्रदर्स ने बंदूक की नोक पे कई मजदूरों को डराया धमकाया, मगर ये लोग डरे ना, क्योंकि इनके बीच जलाब बन के खड़ा था सरमन मुंजा जडेजा। देवू और करसन का मजदूरों को परेशान करना जारी था। इसी बीच सरमन मुंजा और देवू वागेर का मेर गली में आमना सामना हो गया। इस बार सरमन मुंजा का भेजा खिसक गया, काट डाला देवू को। कुछ ही दिनों बाद महाराणा मिल्स के गेट पर करसन वागेर की भी लाश लटकी हुई मिली। इस कांड ने सरमन मुंजा को बना डाला बरड़ा डूंगर से लेकर सोरठ का सबसे बड़ा डॉन। अब क्या होना था, सरमन मुंजा मेर बिरादरी से आता। मेर समाज के कई छोकरे लोग सरमन के साथ जुड़ते गए और गैंग एकदम ही हो गया तगड़ा वाला। अब मानो सरमन मुंजा का दौर शुरू हो गया। लोग सरमन मुंजा के पास अपनी परेशानियां लेकर आते। सरमन मुंजा भी बड़ी से बड़ी समस्या को खल्लास कर डालता। अब सरमन मुंजा यानी सरकार, किसी गरीब को कोई परेशानी होती मुंजा की अक्की टोली जाती, सामने वाले का फिगर फाड़ के चली आती। बोले तो एकदम ही रावस स्टाइल। भाई लोग बता दूं कि सरमन मुंजा की शादी होली संतोख बेन जडेजा से, जिसके चार छोकरे थे कांधल करण काना और भोजा जडेजा। रिचर्ड एटनबरो ने 26 नवंबर 1980 को गांधी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की। हिंदुस्तान के कई राज्यों में शूटिंग करते करते आ पहुंचा बापू की जन्मभूमि बोले तो पोरबंदर में। इस फिल्म में 1980 का एक सीन दर्शाना था, जिसके चलते पोरबंदर का एक गांव चुना गया। मगर एक दिक्कत आ गई, गांव के ज्यादातर घरों पर टीवी एंटेना लगा था,
अब 1980 का जिन दर्जाना हो तो उस टाइम तो टीवी ना थी। इस वास्ते रिचर्ड ने गांव वालों को समझाया ला कि आप कुछ दिनों के लिए एंटेना हटा दो। कोई ना माना, रिचर्ड ने पोरबंदर प्रशासन से दरख्वास्त की। प्रशासन ने गांव को समझाया ला, जिसके चलते गांव के कुछ घरों से एंटेना हट गए ला। मगर बहुत सारे घरों पर अभी भी एंटेना था। इधर रिचर्ड की परेशानियां बढ़ रही थी, तब किसी बंदे ने रिचर्ड को बोला कि आप जर्मन मुंजा से मिलो, उसके अलावा आपका काम कोई नहीं कर पाएगा। रिचर्ड जा पहुंचा शरमन मुंजा की दहलीज पर, अक्की कथा सुना डाली। शरमन मुंजा ने बोला, आप अपुन का मेहमान हो और इस घर से आज तक कोई खाली ना लौटा। रिचर्ड साहेब, एकदम इज बिंदास होके जाने का आपका काम हो जाएगा। रिचर्ड अपनी छावनी में चला गया। सुबह उठ के देखा तो अक्के गांव में एक भी एंटेना ना दिख रहेला। जब शरमन मुंजा इधर आया तो रिचर्ड के मुंह से निकला, ओ माई गॉड, दिस इज अ मिरेकल, शरमन मुंजा यू आर लाइक रॉबिन हुड। और यहीं से उसे रॉबिन हुड का टैगलाइन मिला। मगर अब शरमन मुंजा जैसे जैसे जिंदगी के तौर तरीकों को समझने लगा तो इस भाईगिरी गुंडागिरी से नफरत सी होने लगी। साल 1986 में शरमन मुंजा की सेटिंग हुई स्वाध्याय आंदोलन के प्रणेता पांडुरंग आठवले से, और इनसे प्रभावित होकर शरमन मुंजा ने क्राइम की दुनिया से कलडी मार ली। मगर शरमन मुंजा ने क्राइम को छोड़ा था, उसके दुश्मन लोग ने नहीं, क्योंकि मामा ने अब तक दुश्मन लोग की अक्की जमात खड़ी कर दी ली। इधर शरमन ने क्या हथियार डाले कि उसके दुश्मन लोग उसको टपकाने की साजिश रचने लगे। अभी तो एक साल भी ना होएला कि पोरबंदर के इसी जडेजा परिवार की खुशियों पर किसी का ग्रहण लग गया। काला केशव, जो शरमन मुंजा को खत्म करने के लिए बावराइच हो गया, एक दिन मौका देख शरमन मुंजा की निर्दयी तरीके से हत्या कर दी। मानो उस दिन अक्का पोरबंदर शोक के समंदर में डूब गया। कहा जाता है कि उस दिन शरमन मुंजा की श्मशान यात्रा में अक्का पोरबंदर निकल पड़ा था, क्योंकि पोरबंदर का डॉन कहो या सुरमा, इन लोगों के बीच ना रहा था। बाद में शरमन मुंजा की धर्मपत्नी संतोख बिन जडेजा ने अपने पति की हत्या का बदला लेने और अपने बच्चा लोग की सुरक्षा के वास्ते हथियार उठाया, जो बाद में बनी अक्के हिंदुस्तान की पहली लेडी डॉन और कैलाई गोड मदर। तो भाई लोग, ये थी शरमन मुंजा की कहानी। वीर बोलने या दिखाने में कोई गलती हो गई ली हो तो अपन को अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देने का। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं वीर।